नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने खुद की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी विकसित की और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया है। भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर देश में तैयार करने में कामयाबी हासिल की है। इसे DRDO ने तैयार किया है। ओडिशा के बालासोर स्थित APJ अब्दुल कलाम रेंज में सोमवार को इसका परीक्षण सफल रहा। इसे स्क्रैमजेट इंजन की मदद से लॉन्च किया गया। भारत ये तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन भी ये तकनीक तैयार कर चुके हैं। रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, मैं प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने और ये उपलब्धि हासिल करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संसाधन की टीम को बधाई देता हूँ। मैंने इस प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों से बात की है और उन्हें बधाई दी है। भारत को उन पर गर्व है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत अब अगले 5 साल में हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर सकेगा। हाइपरसोनिक मिसाइलें 1 सेकंड में 2 किलोमीटर तक वार कर सकती है। इनकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से 6 गुना ज्यादा होती है। भारत में तैयार होने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें देश में तैयार की गई स्क्रैमजेट प्रपुल्सन सिस्टम से लैस होंगी। इस प्रोजेक्ट की अगुवाई DRDO प्रमुख जी सतीश रेड्डी और उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल टीम ने की। वही टेस्टिंग की प्रक्रिया करीब 5 मिनट तक चली। परीक्षण में ये लॉन्च व्हीकल कंबंशन चैम्बर प्रेशर, एयर इनटेक और कंट्रोल जैसे मापदंडों पर सही पाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज़।